if you talk about pure statistics, then 2015 is not as good as 2014. आप ही पूछ रहे थे कल सवाल ना? अच्छा सर्दी लग रही है आपको? हाँ सॉरी सॉरी जी, सीक्वल नहीं बनाता मैं, कभी नहीं बनाता. नहीं यार, अभी आज तक बनाई नहीं है, एक्साइट नहीं करते मुझे सीक्वल. मुझे लगता है जो एक कहानी है मैंने बता दी है, अब उसमें आगे है नहीं. बट नेवर से नेवर, अगर एक्साइटिंग कुछ आई आइडिया और मुझे लगा कि जी, आई मीन देखिए कैरेक्टर्स कभी कभी आइकॉनिक बन जाते हैं, जैसे बजरंगी आइकॉनिक कैरेक्टर हैं, तो अभी लगा अगर मुझे कि आगे कहानी बढ़ सकती है बजरंगी की या उनके साथ चांद नवाब की, तो ले जाऊंगा. लेकिन अदरवाइज आई डोंट बिलीव इन सीक्वल्स. जी जी, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, अभी मैं सिर्फ आइडियाज सोच रहा हूँ, कुछ स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ. जब स्क्रिप्ट लॉक हो जाएगी फिर मैं डिसाइड करूंगा वो ऋतिक के साथ है या सलमान के साथ है या किसी और के साथ है. What would you say has been this year's best thing? I mean, apart from Bajrangi Bhaijaan. The best film? The best thing that's happened in the year apart from Bajrangi Bhaijaan. For me personally, or are you talking about like for the all industry, of us? The industry. I think the fact that a lot of very different films have really worked and shown ki you don't necessarily need a big star to hit big numbers. I think some films have really worked without the superstars, and that's a very healthy sign. Superstars doing different stuff has worked much more than superstars doing the same kind of stuff. So I think that's a healthy sign. It shows that audiences are going to support a good film irrespective of whether, you know, it's got a big star or not. Do you think 2015 was better than 2014 in terms of box office, in terms of... Well, if you talk about pure statistics, then 2015 is not as good as 2014 because I think in the first half not too many films worked. But there's definitely, I think, a progress in terms of the kind of content we're getting, and that's a good sign. Thank you. No, it's not necessary. Ramesh ji, how are you? Sorry, ji. मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे फिल्म के बैकड्रॉप में मैं हमेशा एक रियल कॉन्टेक्स्ट डालूं, तो जरूरी नहीं है कि मैं एक मैसेज सोच के डालना चाहता हूं, एक कॉन्टेक्स्ट डालता हूं, एक इशू डाल देता हूं, और आई थिंक मेरे लिए वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उस किस्म की फिल्में मैं खुद देखना चाहता हूँ. तो आई थिंक हर डायरेक्टर वही फिल्म बनाता है जो वो खुद देखना चाहते हैं, इसलिए एक रियल कॉन्टेक्स्ट मेरी फिल्म में हमेशा बैकड्रॉप में आता है. मैंने जैसे बताया अभी लिख रहा हूँ, और स्क्रिप्ट एक बार लॉक हो जाएगी तो फिर अनाउंस करूंगा किसके साथ. सलमान इस बार 50 स्कोर है 27 स्कोर, तो आप क्या स्पीच देना चाहेंगे? तो क्या बोलूंगा, हैप्पी बर्थडे बोलूंगा. विल यू बी एट द पार्टी? या ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स आई विल डेफिनेटली बी एट हिज फार्म हाउस. स्पेशल करने वाले इस बार? जी, आई थिंक अच्छी बड़ी सेलिब्रेशन करने वाले हैं. आई थिंक शुड बी अ सेलिब्रेशन ऑफ हिज 50th बर्थडे, बजरंगी भाईजान, एंड जस्ट आई थिंक इट्स अ फेस्टिव सीजन. उनका बर्थडे भी इस ऐसे टाइम पे आता है जब वैसे भी फेस्टिव सीजन होता है, तो एवरी ईयर देयर इज ऑलवेज अ पार्टी, एंड दिस ईयर विल बी जस्ट अ लिटिल बिगर. आई थिंक वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड व्हाट टू गिव हिम, बट इट विल बी समथिंग sort of that comes from, you know, one that one can make oneself. जी हमेशा, आई मीन वो हमेशा पहली बाउंसिंग बोर्ड वही होती है, और वो काफी हार्श क्रिटिक हैं मेरे काम की, तो ऑब्वियसली एक इनपुट होता है. मैं सबसे इनपुट लेता हूँ, अपने दोस्तों से, मिनी से, तो आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड टू गेट हैव साउंडिंग बोर्ड्स जिनके साथ आप थोड़ा सा अपना जैम कर सकते हैं आइडियाज. Here's wishing all of you a very happy new year. Thank you. Thank you. Thank you.